शूट इज गोइंग ऑन। समझ गए क्या बोला मैंने? अभी मैं डिप्रेस्ड हूँ, कुछ बाद में 30 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। आप नहीं कमाओगे। लोकेशन तो यूं बदलती है हमारी, सारा क्रू जाता है जहाँ भी। अबे इससे बड़े पानी में चल ले। अबे ऐसे चलो, ऐसे कर लूंगा मैं, ऐसे करो करो ये। थोड़ा गर्मी शुरू हुई नहीं, इनको जीरा सोडा पीने की वो हो गई चाह इच्छा, तो मैं सबके लिए लेके आ गया हूँ। तो आज हमारे साथ एक और नए बंदे जुड़े हुए हैं। कौन है भाई ये नए बंदे? कैमरा घुमाने से पहले कैसे हाई कर रहा था सबको? कितना जीरा सोडा पीता है भाई? मैं नहीं पी रहा, मैंने बता रहा सबको किसकी जरूरत है ये। कहाँ जा रहे हैं हम आज? आज हम जा रहे भैया की रील बनाने। ये जा ले जा, एक एक कॉन्सेप्ट है उस चीज पे, हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वो वीडियो जो है उस वीडियो के जरिए हम इस वीडियो के जरिए हम वो वीडियो दिखाएंगे, ठीक है? तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे इस एक और नए दिन में। और हर बार पकड़ा है, हर बार पकड़ा जाता है। आप पियो भाई साहब, की शूटिंग चल रही है। हाँ हाँ, अरे एकदम बढ़िया कह रहा, पीछे क्यों जा रही गाड़ी? तू बैठ जा उल्टा। चलो भाई चलो। शूट इज गोइंग ऑन। अब दूसरे का शॉट लेना है ना? शॉट ही शॉट। मुझे फोन चलाना है। अरे मुझे फोन चलाने के लिए अपना 2x वाला फोन दे इसको। वो तो ठीक है, नहीं तो इसकी तो लोकेशन दूसरी होनी चाहिए ना। इसकी नहीं, इनकी आगे जाओ, आपकी लोकेशन आगे से होगी। हाँ थोड़ा आगे चलो, क्योंकि क्रॉस करेंगे ना हम। अच्छा तो ये इधर आएगा, ये इधर आएंगे और फिर आपको ना यहाँ रुकना है बॉब भैया, आपको यहाँ पे रहना, फिर हम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगे। चलो स्टार्ट। अरे भयंकर एकदम। हाँ हाँ अपने आप खुद ही भगा देना गाड़ी के, क्रॉस कर देना कैमरे को, कर दो क्रॉस कर दो, फोन नीचे रखो क्रॉस कर दो, बस परफेक्ट। वो फन है, वो एकदम एनर्जेटिक है वो, ठीक है? 30 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। स्क्रिप्टिंग चल रही है, वो खतरनाक है, मतलब समझ रहे हो ना आप? समझ गए क्या बोला मैंने? अभी मैं डिप्रेस्ड हूँ, कुछ बाद में 30 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। आप नहीं कमाओगे 30 लाख रुपए महीना कमा के भी डिप्रेस? आप कमाओगे नहीं, ठीक है? अभी तो आप करोड़ों को देखोगे ना, आप एकदम शॉक हो जाएंगे साला मेरे हम शक्ल कैसा खड़ा और का। अभी हम शक्ल वाला करेंगे ना, इंसेप्शन जैसा बना ये बनना, मतलब बनना चाहिए कुछ अच्छा, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखोगे साला मेरी तरह, और आप और मैं साथ में ऐसे खड़े रहेंगे जो हमारा वैसा होगा। अब ऐसे देखेंगे और हम देखेंगे ये, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हैं, रोना आ जाएगा। तो ये वाला शॉट कहाँ पर करना है? ये शॉट कहाँ पर करना है? नीचे कर लें, झरने के पास, ये झरने से ऊपर ही। हाँ ये झरना, अरे वो बीतू झरना कह रहा उसको। अरे बीकू मात्रे के पास कर, झोपड़ी में वहाँ लोग रहने लग गए यार, लोग रहने लग गए वहाँ पे। ये अपनी दोबारा वाली लोकेशन, डायरेक्टर साहब गाली गलौज में आ गए। वोट लग गई तो संस्कार कहाँ गए? पहले मैं आऊंगा देख रहा डायरेक्टर है तो पहले मैं आऊंगा। ठीक है मेरी गाड़ी रुकेगी, मैं जाऊंगा पहले, यहीं जाना है। देखो ठुमकी को ऐसे जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में चाबी भी लगी हुई, ठीक है? मैं ऐसे जाऊंगा, उसे कोई ले जाएगा भी। अच्छा तो आपकी गाड़ी भी आएगी? हाँ उसी टाइम कैसे आएगी गाड़ी? अरे वहाँ पे ऐसे लोकेशन पे मेरे को रुकवा दिया, कह रहे कि हम अभी आ रहे हैं, तब से आ ही नहीं रहे यार। इसने अभी तक जो है आधा शूट हुआ और आधा शूट एडिट करने पे लग गया कि पहले मैं ये एडिट करूँगा। ये देखो एडिटिंग में यहीं पर ही चल रही है इसकी भाई, फिर लाइटिंग में भी फर्क आएगा, अंधेरा भी हो जाएगा। देखो सेट नहीं कर दिया मैंने, ऐसा होना है, ऐसा हो गया। अगले की क्या होगी आधा देख रहा। अबे गाने में ऐड तो हो जाएगा पर मैं जो तो रपट रहा ना, वो रपटने वाला मैं सही कर दूंगा यार। वो अरे मैंने बहुत सही किया भाई, इसका कवर आप पे। ठीक है चलो, अगर ये कह रहा है कि मुझे विश्वास रखो तो रख लेते थोड़ा। तो आगे का शूट चालू करें भाई। एक एक्टर तो हमारे थक गए यहाँ पर। क्या करना है अब? वो बताएगा ना कि एक के कंधे से दूसरे के कंधे मिलाना है। वैसे अभी जो है आपको रिवील नहीं करेंगे, डायरेक्टली दिखाएंगे क्या होता है ये बिहाइंड द। ये सुन, ये व्लॉग में इस मूवी के आने से पहले निकाल सकता हूँ? कुछ रिवील नहीं करना, प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन अब दूसरे उसमें करेंगे, दूसरी लोकेशन में शूट करेंगे।
लोकेशन तो यूं बदलती है हमारी, और सारा क्रू जाता है जहाँ भी ये, है ना। और अभी तो वो भी है, क्या है, वैनिटी वैन तो वहाँ खड़ी हो रही, लाल रंग की वैनिटी वैन। हाँ, और उसमें क्रीम रोल रखे हुए बहुत सारे। हाँ, एक तरफा बजट। रिवर साइड लोकेशन आज अभी हमारी फाइनल हुई है। ब्रह्मपुत्र निकल गया। ब्रह्मपुत्र नहीं है ये, पुत्र नाला है, और ये नाला तब्दील हो जाता है बहुत बेहतरीन नदी में बरसात के टाइम पे। होगा क्या होगा कैसे, अरे ऐसे ऐसे डांस भी है इसमें, डांस भी है, डांस भी है, ऐसे करो ऐसे, अबे ऐसे चलो ऐसे कर लूंगा मैं, ऐसे करो करो ये, ठीक है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है अबे भाई साहब, ये ब्रह्मपुत्र कैसे होगी पार, ब्रह्मपुत्र पार ऐसे होगी, बस एक पैर इसमें रख दिया, एक पैर इसमें रख दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। हाँ चलो भाई, आजा मेरे भाई, नेक्स्ट लोकेशन यहाँ पे खड़े होंगे आप, और मैं यहाँ पे खड़े होंगे, क्रॉस कीजिए ना। हाँ, आप और मैं ऐसे खड़े, ऐसे खड़े होंगे, पीछे से शॉट आएगा ऐसे करके, कहाँ से लेगा इधर से शॉट भैया भी, अरे मैं ले लूंगा, तुम हम उधर जाएंगे दोनों। हाँ, आप और मैं अपग्रेड वाले, अच्छा यहाँ पे रहेंगे, पीछे से शॉट आएगा, डाउनग्रेड वाले इधर, डाउन वाले यहाँ है ना यहाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। चलो एक्टर भाई साहब, अबे इससे बड़े पानी में चल ले। क्या कर रहा है मम्मी? अबे ना ऐसे ऐसे रहना। अरे भैया जैकेट मार दो ना। अच्छा बहुत भारी हो रही ना। अच्छा तभी मैं तो मैं कूद नहीं पाया। इधर इधर आओ, पीछे आओ। अब क्या हो गया, पैकअप हो गया क्या? पैकअप पैकअप। अब भाई साहब ने वो मंगवा रखा है, हीरोइन एक्ट्रेस मंगवा रखी है, रानी मुखर्जी का बजट था रानी। तो अरे जो डांस कर रहा है तो हो गया अभी। दोनों एक्टरों ने अपना शूट कैंसिल कर दिया। हाँ भाई, क्या क्या वो था इसका टाइटल था अपने वीडियो का? टाइटल का था कि वीर तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो। रिवील नहीं करेगा क्या, ऐसा सीन है क्या? नहीं नहीं, अरे तो एक वो होता है ना समरी, कि क्या क्या बताना चाह रहे थे आप? मतलब मैं इन शॉर्ट बोलूंगा, इसका मतलब है कि कभी हार नहीं माननी, ठीक है। ऐसी कुछ वीडियो जो है अभी हमने शूट करी है, चाहे तुम 30 साल के हो गए हो, नए पड़े हो, घर में हार नहीं, मतलब कि किसी भी चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है और चीजें जो है वो करती रहनी है। ये अपना ब्रिज है, ये ब्रिज, अच्छा अरे तो ये अपने जो है भैया, अभी एक शॉट और है, वो तो आपके घर का है ना, मतलब कहीं का भी ले लेंगे। नहीं तो क्या है उस शॉट में? उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं है तो रिजल्ट में क्या हुआ, फेल हुआ? रिजल्ट तो हम किसी चाय की टपरी में भी देख सकते हैं। हाँ, यहीं पे देख सकते हैं, साथ में चाय भी पी जाएगी। हाँ चाय भी पी लेंगे, वो होगा। और फिर उसके बाद ना जैसे पर मूड खराब हो गया एकदम, मूड खराब हो गया। अब मूड खराब होने के बाद सीधा एक साथ दोनों को टिटिंग। हम तो खुश हो गए थे कि अब पैकअप हो गया, इतना कुछ खास थोड़ी ना है। एक छोटे छोटे शॉट में इतना टाइम लग रहा, तो कह रहे मैसेज आया। चलो जगह का लोकेशन का तो पूरा हो गया, उनके साथ ऐसा डायरेक्टर भी तो नहीं होता होगा जो हर शॉट में पूरी पिक्चर बता रहा। एक शॉट ले बात खत्म कर। सो डेट इज़ फॉर टुडे गाइज, अभी आ चुके हैं हम घर पे। कैसा लगा आपको व्लॉग? होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चलो फिर सही है।